ASRock H61 MVS3। तो देखो बोर्ड में डिस्प्ले ना आना आने की बहुत सारे रीज़न हो सकता है, पर इसमें इस बोर्ड में कुछ अलग रीज़न है। एक वोल्ट का बस मिसिंग है। तो अभी देखो बोर्ड आया था कुछ प्रॉब्लम के लिए, पर जब देखा मैंने तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। तो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। देखो अभी ये बोर्ड है, ये पावर डाला, ये डाल दिया, फैन चाहिए एक, ये है फैन लगाया, डाल दिया। अभी देखो बीजीए भी कनेक्ट कर देता हूँ, पहले कनेक्ट कर दिया। अब बोर्ड को मैं ट्रिगर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो नहीं तो नहीं समझ पाओगे। और इसमें डिबग कार्ड काम नहीं करता है, तो डिबग कार्ड लगा के भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी लगा रहा है। तो ये दिया ट्रिगर, ये ले लिया बोर्ड चलू, पर डिस्प्ले हमारा बोर्ड में नहीं है, ठीक है, अभी तक आ जाना चाहिए था, ये देखो आया नहीं, ठीक है, मतलब डिस्प्ले कनेक्टेड है पर आया नहीं डिस्प्ले। अब डिस्प्ले ना आने की रीज़न क्या हो सकता है? अभी अगर हम मल्टीमीटर पे जाएंगे तो एक ग्राउंड करता हूँ, तो ये देखो इसका कोर बन रहा है, इसका कोर बन रहा है, परफेक्टली कोर बन रहा है, पर मिसिंग है क्या? मैंने ध्यान से देखा, तो कुछ टाइम देखने के बाद मुझे दिखा, तो अभी मैं घुमाता हूँ थोड़ा सा, और जितना हो सके देखो, मैं पास से दिखा देता हूँ बाद में। तो अभी हो कहाँ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड में बेसिकली? तो देखो यहाँ पर एक सीपीवीटीटी का सेक्शन है, ये 1.7 13 10 से लेकर 13 तक वोल्टेज आएगा, तो वो मुझे इनपुट मॉस्फेट ये है, ये देखो इनपुट मॉस्फेट 11.94 मतलब 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, और इसका आउटपुट भी है, ये देखो दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ये है 1.14। पर जब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब ये जो वोल्टेज बना के दे रहा है पर ये मॉस्फेट के ड्रेन पे आ नहीं रहा है। अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली क्या हो सकता है, ये जो पीसीबी का पैड है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पैड ख़राब हो सकता है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, अभी देखो ठीक से फॉलो कर लो, ये देखो फैन हटा देता हूँ, ये बेसिकली हो रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर वोल्टेज आ नहीं रहा है, ये देखो ये वोल्टेज ये दे नहीं रहा है। पर अगर हम अगर ट्रेस करें कि इसका वोल्टेज अगर इस सेक्शन में है, तो इस सेक्शन में ये देखो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है 1.14, ये वोल्टेज यहाँ पर चाहिए, सेकेंड मॉस्फेट के ड्रेन पे चाहिए। पर इसमें क्या है दिक्कत मुझे पता नहीं चल रहा है, इसका बिना डायग्राम के ये समझना मुश्किल है, और इसका है भी नहीं, तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है? मतलब अभी मैं ऑफ कर देता हूँ तो अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा सा फैन रखता हूँ, डिबग कार्ड हटा देता हूँ, ठीक है, डिबग कार्ड से मतलब नहीं है, अभी मैं पास से समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो, क्लियर हो जा, ये अब क्लियर हुआ। तो अभी प्रॉब्लम हो रहा है इस सेक्शन में तो हमारा वोल्टेज प्रॉपर है और सीपीयू इसका हीट हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं हीट हो रहा है सीपीयू। ये सेक्शन अगर सही हो जाए तो प्रॉपर हीट होगा, पर प्रॉपर हीट नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट हो रहा है सीपीयू के तौर से, अगर कोई फास्ट काम कर रहा है, मतलब बिगिनर्स को लगेगा कि सब ठीक है, उनको लगेगा कि पीसीएच खराब है और यहाँ पर हीट कर देगा, क्योंकि सीपीयू तो हीट हो रहा है, पर वोल्टेज भी अगर वो ट्रेस कर ले तो यहाँ पर इनपुट हमें मिल रहा है और यहाँ से आउटपुट भी मिल रहा है 1.13 14 मैंने जो भी देखा,
पर यहाँ पर नहीं आ रहा है, पर यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है? ये तो एक ट्रैक में लगा हुआ है, क्योंकि इसका सोर्स है, इसका ड्रेन और ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा। वो दिखाता हूँ, ये लॉजिक मुझे खुद ही समझ में नहीं आया, इस बोर्ड का लॉजिक मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। तो देखो, ये देखो, एक सेकेंड, बज्जर पे, तो ये सोर्स टू ड्रेन, ये देखो सोर्स टू ड्रेन कनेक्टेड है, पर जब हम ऑन बोर्ड पे जा रहे हैं तब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, नहीं तो कभी भी ये टाइप का केस आए, और इस बोर्ड में इस टाइप का केस बहुत आता है, ये एस रॉक का जो 61 है, और ज़्यादातर लोग ढूंढ के परेशान होकर रिटर्न कर देता है। वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहा है, पर यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर दोनों एक साथ ट्रैक में है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा सोल्यूशन तो क्या मतलब सिमेटिक में नहीं मिलेगा। और इस बोर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा आता है, मैं थोड़ा सा बता दूँ। बोर्ड चलेगा आपका, डिबग कार्ड तो छोड़ ही दो, सीपीयू इसका हिट नहीं होगा और बोर्ड चलेगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इस बोर्ड में ऐसा ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ पर एक LM के वजह से। ये है, ठीक है, LM358, ये जो एक ओपाम है इसके वजह से आता है। पर अभी तो हमारा केस स्टडी इसके ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर अगर एक डिफरेंट टाइप का सेम बोर्ड आ जाए और इसी से ही प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, तो मैं एक केस स्टडी बना दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है, तो अभी प्रोसेस तो दो है, अगर स्कीमेटिक मिले ढूंढे तो हम इसको सॉल्व रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये एक रजिस्टर के वजह से ही हो रहा है, पर कहाँ पर है मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, और पता भी चलेगा तो टाइम लगेगा, वीडियो नहीं बनेगा, और नहीं तो मुझे फिर से केस स्टडी करके फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। तो उतना टाइम नहीं है अभी, जितना दिखा रहा हूँ उससे आप काम चला लो। तो देखो, अभी मैं यहाँ पर अगर 1.10 या फिर 1.13 1.12 वोल्ट DC से अगर इंजेक्ट कर दूँ, तो क्या है कि हमारा जो डिस्प्ले है डेफिनेटली आ जाएगा, 100% श्योर। और अगर मैं ना करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक बाईपास कर दूँ, बाईफोर्सली वोल्टेज को डाल दूँ, क्योंकि ये PCB का जो ट्रैक का जो कम्बिनेशन है इसके साथ ये रहेगा, ये कम्बिनेशन तो है, मल्टीमीटर दिखा रहा है, पर वोल्टेज हमें यहाँ से यहाँ तक आ नहीं रहा है। अब कुछ शॉर्टिंग भी नहीं है यहाँ पर, कुछ शॉर्टिंग भी नहीं है, तो क्या करें? तो ट्वीज़र लगा के मैं दिखा सकता हूँ, पर मैं पार्मानेंटली एक दिखाता हूँ, क्योंकि ट्वीज़र हट जाएगा और यहाँ पर क्रिस्टल है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, लग जाएगा तो बोर्ड डेड भी हो सकता है। तो उतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए वीडियो तो भी अच्छा, मैं मतलब एक वायर डाल के करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल एक वायर ले लेता हूँ, तो ये बस दिखाने के लिए, ठीक है, बाद में मैं अच्छे से फिक्स कर देता हूँ, और अगर टाइम मिले तो मैं वो रजिस्टर ढूंढ लूंगा। और कमेंट मत करना कौन सा रजिस्टर कौन सा रजिस्टर, मुझे खुद ही पता नहीं है, ठीक है। और अगर मिल जाए तो मैं किसी एक शॉर्ट बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, 1 मिनट का, मिल जाएगा, टाइम देना पड़ेगा बहुत, है तो इधर ही है, ठीक है, इस आसपास में है, पर या तो वैल्यू हाई हो चुका है या फिर हाई ही हो चुका है, वैल्यू रजिस्टर का जो है हाई हो चुका है, वोल्टेज को पास नहीं कर रहा है। और ये एक रजिस्टर होके आता है, डायरेक्टली PCB का पैड से कनेक्टेड है, फिर भी रजिस्टर लगा हुआ होता है, पुल अप रजिस्टर होता है इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या करें, तो अभी मैं कुछ भी किया नहीं, बस देखा कि यहाँ पर वोल्टेज मिसिंग है, तो मुझे लगा कि मैं एक बाईपास करके देखो, अभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, ये देख सकते हो, ना तो मैंने शोल्डरिंग किया, ना तो ट्वीज़र लगा के देखा, कुछ भी नहीं किया, देखा भी नहीं, बस कॉन्फिडेंस है कि ये वोल्टेज ही मिसिंग है और ये डालने से हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, नहीं तो ये और पास से मैं दिखाता हूँ, और भी पास से ही दिखा रहा हूँ, फिर भी अगर बहुत सारा लोग है जो फिर भी समझ नहीं पाते हैं, तो मैं और भी पास से दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
एक सेकेंड, अभी मैं खुद ही काम नहीं कर पा रहा, इसे खोलना पड़ेगा। ये रैम का इशू नहीं है, सीपीयू का भी इशू नहीं है, ठीक है। रैम जो लगा हुआ है, ये मेरा रैम ही लगा हुआ है, यही रहेगा। और सीपीयू देख सकते हो, ये कस्टमर का सिग्नेचर है, यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ एक वोल्टेज जो 1 वोल्ट मिसिंग है, मिसिंग भी नहीं है, जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक वोल्टेज है, पर लास्ट एंड तक जहाँ पर जाना चाहिए वोल्टेज बन रहा है इसका। मतलब LM का कोई इशू नहीं है इसमें, वोल्टेज इसका बन रहा है, पर क्या है एंड में जहां तक जाना था वहीं तक जा नहीं रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऐसे केस में कभी कभार क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा ही होता है। तो दिखाने के चक्कर में बोर्ड खराब ना कर दूं, ये ऐसे ऐसे करके। ये लगा ही नहीं, ये हुआ नहीं। देखो आपके केस में कोई डिफरेंट केस भी आ सकता है, पर मेरे पास ऐसा है, मैं दे रहा हूँ, अगर कभी भी काम पे लग जाए तो लगेगा, कभी ना कभी तो आएगा ना, ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, रेगुलर नहीं आएगा, कभी ना कभी आएगा। ये भाई लग नहीं रहा है, ये छोड़ रहा है बार बार। अच्छा इसको नीचे से लगा देता हूँ, छोड़ क्यों रहा है भाई, दिक्कत क्या हो गया तुझे। फिर भी छोड़ रहा है, एक सेकंड भाई होल्ड करो, ये ऐसे नहीं लगेगा, बहुत क्लीन करना पड़ेगा। तो देखो मैंने बस ऐसे फिक्स किया, और बस दिखाने के लिए, और बाद में मैं देखता हूँ, अगर टाइम मिले तो रजिस्टर ढूंढ लेंगे, और ना मिला तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा जम्पर वायर डाल के जम्पर बना देंगे सोर्स टू ड्रेन तक, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने ऐसा ही किया, अभी देखो एक बार चला के दिखाता हूँ मैं, इसका डिस्प्ले आएगा कि नहीं। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, पर फिर भी अगर नहीं आए, आएगा 100% आएगा, ठीक है। तो बराबर है, ये देखो पास से देख लो क्या, कहाँ से कहाँ तक दिया है, सोर्स टू ड्रेन तक, ठीक है। अभी ऐसे घुमाता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, और डिबग कार्ड रहे ना रहे फिर भी लगा देता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, एक ही रहेगा एज इट इज, पहले जैसा। तो ये दिया फिर से फैन, और रैम देखो, पॉज किया था वीडियो मैंने, तो देखो रैम जो था वही है, ये मेरा रैम है, और सीपीयू जो था ये कस्टमर का सिग्नेचर किया हुआ सीपीयू वही है, ठीक है। तो अभी देखो पावर देता हूँ मैं, दिया। डिबग कार्ड पे मत जाओ, इसमें कुछ दिखेगा नहीं, और बीजे लगा के दिखा दो, कहाँ गया बीजे, कहाँ रखा भाई, खोल के इधर रखा, आ जा, आया भी नहीं आया।
नहीं, हाँ आ गया, ये देखो। तो अभी वोल्टेज भी मैं दिखाता हूँ, ये देखो बहुत शानदार बायस है इसका आसमान में, मतलब UEFI सेटअप यूटिलिटी दिखा रहा है एसडॉक का, फुल्ली आसमान है ये, मतलब बहुत ही अच्छा, बढ़िया। तो देखो अभी अगर वोल्टेज हम देखेंगे तो बाईफोर्स मैंने वहाँ पर वोल्टेज को इनपुट कर दिया, तो वोल्टेज मिलेगा। अगर मैं ये हटा दूँ तो डिस्प्ले जा भी सकता है, रह भी सकता है, पर नेक्स्ट टाइम जब चलाएंगे तो नहीं आएगा। तो यही है, देखो कार्ड में कुछ चेंजेस नहीं है, ये एक छोटा सा ट्रिक समझ लो, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला, क्योंकि क्यों नहीं वहाँ तक जा रहा है और ये क्यों हो रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर वीडियो में एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ कुछ केसेस है जो ये ट्रिक बन गया, ये जो वीडियो है ये ट्रिक है, ठीक है, इसे ट्रिक बोलते हैं। तो मैंने जुगाड़ लगाया इसमें, तो जुगाड़ लगाया, काम बन गया। अभी 1 घंटा दे के रजिस्टर ढूंढो और बाद में 300 400 बिल करो, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम मिला, बाईपास कर दो एक, बस। बाईपास करना, कोई भी जम्पर करना कोई भी बुरी बात नहीं है, पर आपको मेथड को जानना है कि कहाँ पर बाईपास हो सकता है कहाँ पर नहीं। अगर ये मेथड आप जान जाओगे तो सारा जगह पे आप बाईपास करते फिरो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बाईपास करना लीगल है, कानूनी तौर पे लीगल है, आपको जेल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पर आपको मेथड लॉजिक जानना है कि कहाँ पर करूँ। और कुछ कुछ लोग ऐसे केस में तो बक कन्वर्टर भी डाल देते हैं, 1 वोल्ट बना के यहाँ पर बक कन्वर्टर में डाल देगा, जिनके पास बहुत सारा बक कन्वर्टर लेके बैठा है, 150 रुपीज़, 60 रुपीज़ का। तो चलो वीडियो बस इतना ही है, और एक बार फाइनली रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने बाईपास किया, ये देखो क्लियरली। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट मॉस्फेट के सोर्स से ड्रेन, सेकेंड मॉस्फेट के ड्रेन पर मैंने 1.14 वोल्ट डाला, जिसके वजह से इसका डिस्प्ले है। और एक बार रिस्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, सॉरी, ये लो रिस्टार्ट दबा दिया, डिबग कार्ड में कुछ चेंजेस नहीं होगा, पर यहाँ पर डिस्प्ले चला गया, फिर से आ गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ भी सीखे हो, ऐसा अगर बोर्ड आए तो आप ऐसे ही काम कर सकते हो, अगर आपके पास सिमेटिक नहीं है, मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो सोल्यूशन निकल नहीं पा रहे हो, तो ऐसे कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ऐसे बड़ा वाला वायर मत डालना, क्योंकि जिसको जिसका बोर्ड है वो बाद में आपको गाली देगा। तो छोटा सा एक जम्पर वायर डाल देना, छोटा सा, बस छोटा सा डाल के वोल्टेज को डाल देना, पर ऐसा प्रॉब्लम आए अगर कभी भी तो। और आपका फर्स्ट मॉस्फेट से ही वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है सोर्स से, तो फिर ये लॉजिक जाएगा, मैं कहाँ पर दिखा रहा था पहले, LM कहाँ थे इसका, ये LM है, यहाँ से ये कंट्रोल होता है इसका वोल्टेज, ठीक है। तो इसका भी एक बड़ा सब्जेक्ट बनेगा, अगर केस स्टडी आता है तो बना दूंगा, ठीक है, केस आता है तो स्टडी करके बना दूंगा। तो लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी में। जय हिंद।